अभी मजा आएगा ना भिड़। It was at this moment that he knew he fucked up. Nice. A few moments later. LOL! इसके बाद थोड़ा आगे चलते ही मुझे एक एनिमी दिख जाता है, बट एक सीन होगा कि इसके आगे भी एक और एनिमी होगा, तो देखना दोनों को कैसे मारते हैं। मैं माता चोलू जोल में। अरे मैं चुड़ी पर ही है। ओ भाई साहब, एक साथ दो एनिमीज को टपका दिया, मतलब सीरियसली एकदम ओपी। जान पे जान आई, नहीं तो वो बंदा मुझे लिटरली मार ही देता। मुझे इसके बाजू वाले घर में दो एनिमीज लड़ते हुए दिख रहे थे, तो मैं अंदर घुस चुका हूँ भड़ास निकालने अपनी, और ये एक एनिमी मेरे सामने आ रहा है और मैं इसको घूम के मारूंगा, और ये मेरा अटैक और ये गया। और अब दूसरा एनिमी की बारी है, और दूसरा एनिमी कहाँ, पहले मैं इसकी लूट कर लूँ, शायद दूसरा शायद नहीं होगा, पर मुझे साउंड इफेक्ट आ रहा है, बट कोई बात नहीं, अपनी हीलिंग करने के बाद चलो तब जोन पे चलते हैं, शायद इसने उसको मार डाला होगा। तो इसी के साथ मैं जोन के अंदर जा रहा था, तभी वहाँ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तब मैं रश करने तुरंत ही चला गया, बट मुझे शायद ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगी, बट मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही रश कर लिया उनके ऊपर। तो उस बंदे को काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे वो बंदा यहाँ मिलता है, और ये रहा वो, और अपना ऑब्वियसली इजी। तो इसी के साथ उसको मारने के बाद मैं तरह जोन के अंदर जाऊंगा अपने राइडर स्टाइल में। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें एक और एनिमीज का सामना करना पड़ेगा, और ये एनिमीज बहुत नजदीक है, और ये रहा मेरे सामने, और ये मैंने बजा डाली टाट में, गोली मार दी। इसको बांधने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो सामने लॉन्च बेस मुझे नज़र आ रहा है, तो अब मैं सीधा उधर ही पहुँचेंगे। तो इसके साथ मुझे दूर से एक बंदा दिख जाता है, मैं उस पर स्नाइपिंग ट्राई करता हूँ, पर लेकिन वो खड़ा नहीं रहता, वो उधर सामने से मेरे सामने रश करने आ रहा था, तो मैंने अपनी वो निकाली और ये पिच बॉय। मुझे दूर एक एनिमी दिखता है, तो देखो इसको कैसे मारेंगे। व्हाट द हेडशॉट, तेरा भाई ने क्या कमाल का हेडशॉट मारा है इस बंदे का। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ दो एनिमीज की आवाज सुनाई दे रही थी, तो चलो अब इन दोनों को हम कैसे मारते हैं।
सामने मेरे को बंदा दिख रहा है, उसको हेड मारने की ट्राई कर रहा था और ये क्या है, ये शायद कुछ चीज़ें पर इसमें नहीं लग रही, तो बंदे को मारा और ये क्या, बंदा नॉक हुआ रहे यार, दो गोली लगी, बॉडी शॉट लगा तो बनी, और ये दूसरा बंदा मेरे को मारा था लॉल। और ये एक बड़ी बात थी कि एक 40 लोग एक छोटे से जोन में, और सामने मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो मैं आगे बढ़ने लग गया अपने एनिमीज को मारने। और वो फायरिंग शुरू हो चुकी है, दो लोग क्या तबाहीदार फायरिंग कर रहे, एकदम कुत्ते की तरह एक दूसरे पे हथियार टांगने लगे। पहले मैं अपनी रीडिंग कर लूँ, उसके बाद इन दोनों की बुद्धि तोड़ने चाहेंगे हम लोग। अभी इसको मारने के बाद मैं अपनी हीलिंग करने लगता हूँ, तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। वो जोन काफ़ी छोटा हो रहा है, और इतने जोन में 38 लोग थे। तो मुझे सामने एक बंदा दिखता है, तो इसको कैसे मारते देखना। स्नाइपर का पहला फटका और ये बच गया, और दूसरा फटका मारा इस दुश्मन बच गया, वो घूम गया, वो घूम कर सामने से रश करने की तैयारी कर रहा है। और इसके बाद मैं अपनी आइडिया तैयार की है, और ये फायरिंग करना स्टार्ट किया है। और अरे यार ये करूँ, और रिलोड आ गया, रिलोड आ गया, पड़ नहीं 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 अमेरिका का दलाल बहन चोद। उसी के साथ आगे बढ़ा, और सामने बनाए, सामने बनने को मैंने थोड़ा डैमेज दिया, और ये बंदे ने बहुत बड़ा डैमेज दे दिया। बाद में अपने गन रिलोड कर रहा, उसके बाद सामने से रश करने की तैयारी हो रही है।